आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ फूड गुरुमा गीता। आप लोगों को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रेसिपी है, वो है सुरमई गुलबहार। वो कैसे बनता है, क्या क्या चाहिए, चलिए मैं बताती हूँ। तो मैंने लिया एक मुट्ठी पालक। पालक को धो के पानी गर्म करके उसमें थोड़ा सा एक चम्मच चीनी, हाफ चम्मच नमक डाल के इसको उबाला। उबाल के इसको मैंने निकाला, निकाल के थोड़ा सा ठंडा पानी डाला। ठंडा पानी डालने के बाद ये पालक ठंडा हो गया। उसमें से दो हरी मिर्ची डाल के इसको ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बनाया है। और अभी क्या है इसका लिए, ये सब्जी लिया है, ये हाफ कटोरा बीन्स, हाफ कटोरा गाजर, हाफ कटोरा फूलगोभी, हाफ कटोरा मटर। अभी कढ़ाई में ऑयल रख दिया सब्जी को डीप फ्राई करने के लिए। आज देखिए सारे सब्जी अच्छी तरह से धो के इसको पोंछ के मैंने डाइस कटिंग किया है। सब्जी को पानी नहीं रहना चाहिए सब्जी में, नहीं तो वो जब हम डीप फ्राई करेंगे वो तेल हमारा ऊपर को आ जाएगा। अभी ऑयल गर्म हो गया है, अभी हम सब्जी को इसका अंदर छोड़ेंगे। मैंने गाजर और बीन्स को डाला है। गैस को मीडियम फ्लेम में रखना है। ये अभी फ्राई हो गया है, ये अच्छी तरह से पकने तक इसको डीप फ्राई करना है। अभी इसको हम निकाल देते हैं प्लेट में। अभी फूल गोभी को फ्राई करेंगे। ये भी हो गया है, इसको भी निकाल देते हैं। अभी मटर को डालते हैं। और थोड़ा कवर लगाना है क्योंकि ये ऊपर को आ जाता है, नहीं तो। मटर डाल के आप ध्यान से करिए, देखिए ऐसे कवर करके इसको धीरे धीरे आराम से ऐसे घुमाते रहिए। ये भी हो गया है, अभी निकाल देते हैं। अभी हम इसी कढ़ाई में ही बनेंगे। जितना एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकाल दिया है। एक चम्मच ऑयल रखा है कढ़ाई में। अभी इसका ऊपर हम छोटा पीस एक बटर डालेंगे। गैस को अभी मीडियम में रखेंगे। ये लाल मिर्ची और एक चम्मच जीरा। फिर 1 इंच हींग, 1 मीडियम साइज का प्याज, 1 प्याज को थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक भुनेंगे, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 मीडियम साइज का टमाटर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर। हाफ चम्मच नमक, ये सारे को मिला के अभी थोड़ा सा इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें 1 चम्मच पानी देंगे। सारे मसाला और टमाटर नरम होने के लिए और पकने के लिए इसको 1 मिनट के लिए हम कवर करके पकाएंगे। गैस को बिल्कुल लो में ही रखना है।
अभी टमाटर पक गया, मसाला भी पक गया, ऑयल भी अच्छी तरह से निकल गया। देखिए इसमें अभी हम सारे सब्जी को डालेंगे। सब्जी के साथ साथ ये पेसा हुआ पालक को भी डाल देंगे और ये सारे को अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये सब मैंने लो फ्लेम में ही कर रही हूँ। अभी 2 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे। अभी देखते हैं ये सारा अच्छा से एक दूसरे से मिल गया है। अभी इसमें और थोड़ा सा नमक डालेंगे। मसाले का टाइम थोड़ा नमक डाला था, उसी हिसाब से डालेंगे। फिर और ये घर का मलाई था, इसको मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें 2 चम्मच क्रीम भी डाल सकते हैं। हरी सब्जी या मटर को आप जब भी उबालोगे तो उसमें थोड़ा सा चीनी और नमक डाल के पानी में उबालना, ताकि उसका कलर चेंज ना हो। अभी इसमें हम 2 कटोरा गर्म पानी ऐड करेंगे और 5 मिनट इसको कवर करके पानी का साथ इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पाँच मिनट हो गया है। अभी इसमें हम थोड़ा सा 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। गैस को ऑफ करके 1 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देते हैं। खोल के देखेंगे, अभी हो गया है गर्मा गर्म सर्व करने के लिए हमारा सुरमई गुलबहार। इसको आप रोटी का साथ, चावल का साथ आराम से खा सकते हैं। और ये रेसिपी कैसे लगा आपको, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।